हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विजीन गैलरी। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना पैनकेक, यानी कि केले का पैनकेक। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें डालेंगे 2 पके हुए केले जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही ऐड कर लेंगे 3 से 4 चम्मच पिसी हुई शक्कर और 1 कप दूध। इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, आइए इसे हम चेक कर लें। तो ये देखिए एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार है। इसे हम बोल में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 3/4 कटोरी गेहूं का आटा, आप इसकी जगह पे मैदा का यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कटोरी सूजी, तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है कुटी हुई इलायची फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो वनीला एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक फेंट लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच देसी घी, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी जगह पे आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट बाद इसे हम दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो हमारा पैनकेक बनाने का बैटर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अब हम चलते हैं पैनकेक बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ मैंने तवा रखा है गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक का पैन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लैट डोसे वाला तवा लिया है। तवे को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम लो कर लेते हैं। अब किसी भी कलछी या चम्मच की सहायता से इस तरीके से हम बैटर डालेंगे। पैनकेक आप अपने अनुसार थोड़े से छोटे या बड़े बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसे हम लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे, जब तक कि इसके ऊपर डार्क ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते। हर 2 से 3 मिनट बाद इसे हम इस तरीके से उलटते पलटते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे। पहले कुछ मिनट इसे हम लो फ्लेम पर सेकेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट बाद इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं और सेम इस तरीके से हम सारे पैनकेक बना के तैयार कर लेंगे। ये पैनकेक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, साथ ही हेल्दी भी हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए पैनकेक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम सारे पैनकेक बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारे पैनकेक बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो लेते हैं सर्विंग प्लेट। तो इसे मैंने सर्व कर लिया। इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर शहद का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाना पैनकेक बन के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।